दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जिनको दिक्कत है इंडिया से, वो पाकिस्तान चले जाएं। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने ये बयान दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपीए का नाम बदल के अब इंडिया कर दिया गया है। इंडिया बताया जा रहा है, जो फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, यूपीए का नाम बदल दिया गया है। 26 पार्टीज एक साथ आई हैं 2024 चुनाव के लिए, जिसके बाद लगातार बीजेपी और गोदी मीडिया प्रहार करते हुए नजर आ रही है उन पार्टीज पे जिन्होंने अपना अलायंस करके इंडिया नाम दिया है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस बात से दिक्कत है कि इस अलायंस का नाम यूपीए से इंडिया कैसे हो गया। अब क्या इंडिया से भी लोगों को दिक्कत है? इसी वजह से लगातार डिबेट देखने को मिल रही है सुप्रिया श्रीनेत ने, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को यह बता दिया कि अगर आपको इंडिया नाम से इतनी दिक्कत हो रही है तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सोचिए, आज पहली बार उस पार्टी के ऊपर प्रहार करा गया है जो पार्टी लगातार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आती थी। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट लाना चाहूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं कर्नाटक इलेक्शन में बीजेपी नेता, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने ये बात कही थी कि जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, जो मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो तो देशभक्त है, लेकिन जो लोग कांग्रेस और जनता दल को वोट दे रहे हैं वो पाकिस्तान समर्थक है। इस तरीके की बात बीजेपी नेता कर्नाटक चुनाव में करते हुए दिखाई देते। इसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट देख लीजिए, जहां पे आप देख सकते हैं शाहनवाज राहुल गांधी को भी बताते हुए नजर आ रहे थे, राहुल गांधी को वो पाकिस्तान से जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। आज सुप्रिया श्रीनेत ने सीधा सीधा बीजेपी के उन लोगों को पाकिस्तान से जोड़ दिया जो लोग इंडिया, जो अलायंस हुआ है इंडिया नाम से, उसको लेकर दिक्कत बता रहे थे। साथ ही साथ एक एग्जांपल रखा है सुप्रिया श्रीनेत ने, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, सुप्रिया श्रीनेत ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर आपको इंडिया से दिक्कत है तो दो बातों का मेरे जवाब दे दीजिए। पहले तो आप हर एक चीज पर इंडिया क्यों लिखते हैं? दरअसल उन्होंने एग्जांपल दिया स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, हर एक चीज पे इंडिया का नाम लिया जाता है। हालांकि मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर इंडिया का नाम लिखा है किसी भी अलायंस को लेकर या किसी भी अलायंस को लेकर इंडिया बताया गया है, तो इंडिया से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि गर्व होना चाहिए। जिन लोगों को बीजेपी को वोट देना है वो किसी भी हाल में बीजेपी को ही वोट देंगे, फिर चाहे जो हो जाए। ऐसे में बीजेपी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो उनके कट्टर समर्थक है वो उनके ही पाले में खड़े रहेंगे, फिर चाहे जितनी महंगाई आ जाए। कई आपने वीडियोस देखे होंगे जहां पे लोग ये कह देते हैं 500-1000 रुपए का भी पेट्रोल हो जाएगा तब भी हम चाहे जितनी ज्यादा महंगाई हो जाए बीजेपी को ही वोट देंगे। ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता यूपीए का नाम इंडिया हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, लेकिन जब इंडिया नाम रखा गया है तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दरअसल मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा, सुधांशु त्रिवेदी जी ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि जो हमारी पार्टी का नाम है वो भारतीय जनता पार्टी है, इंडिया जो नाम दिया गया है वो अंग्रेजों की तरफ से दिया गया है, इस तरीके की बात बताने की वो कोशिश कर रहे थे। और इंडिया एक इंग्लिश नाम है, भारत की अगर बात की जाए भारत एक हिंदी नाम। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी बता दिया कि आप लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे इंडिया क्यों लिखते हैं, मेंशन इंडिया क्यों करते हैं, भारत ही किया करिए। इसके बाद कई बीजेपी नेताओं के ट्विटर हैंडल की अगर बात की जाएगी वहां पे इंडिया के जगह पे भारत कर दिया गया। लेकिन क्या सच में बीजेपी नेताओं या फिर गोदी मीडिया पत्रकारों की बात की जाए, आज तक में बहुत बड़े एंकर है सुधीर चौधरी जी बताते हुए नजर आ रहे थे ये जो अलायंस हुआ है जिसका नाम इंडिया रख दिया गया है इस बात से दिक्कत होनी चाहिए लोगों को। वो ये भी बताते हुए नजर आ रहे थे कि कोई इंसान कैसे कोर्ट तक जा सकता है और इस नाम को लेकर अपना मामला कोर्ट में दर्ज करा सकता है, इसको आपत्ति बता सकता है कि ये जो नाम अलायंस का रखा गया है इंडिया। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ये बताते हुए नजर आए सुधीर चौधरी जी कि जो इंडिया नाम रखा गया है, सोचिए अगर ये अलायंस हार जाता है तो हमें क्या बताना पड़ेगा। फिलहाल स्किल इंडिया भी रखा गया है, खेलो इंडिया भी रखा गया है, स्टार्टअप इंडिया भी रखा गया है। ऐसे में अगर किसी का स्टार्टअप नहीं चलेगा तो क्या इंडिया का नाम थोड़ी ना उसमें खराब होगा, उसमें उस इंसान का खराब होगा। अगर ये अलायंस नहीं काम कर पाता है 2024 चुनाव में तो लोग वोट नहीं देंगे दोबारा, और साथ ही साथ अगर किसी का नाम खराब होगा तो ये जो अलायंस हुआ है, जो 26 पार्टियां हैं, इनका नाम खराब होगा, ना कि इंडिया का। सुधीर चौधरी जी जो आप एग्जांपल देते हुए नजर आए थे, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, इंडिया से आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी अपनी शॉप, अपने बिजनेस कहीं पे भी इंडिया लिखता है तो ये गर्व की बात है। अगर अलायंस होता है और उसका नाम इंडिया रख दिया गया किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, तो उस पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को, एक बार फिर बताना चाहूंगा, बीजेपी को वोट देना है वो बीजेपी को ही वोट देंगे, फिर चाहे जो हो जाए, जमीन हिल जाए, आसमान हिल जाए, लेकिन उनको बीजेपी को ही वोट देना होगा। आप दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके हिसाब से क्या सच में ये जो अलायंस हुआ है जिसमें 26 पार्टियां एक साथ आई हैं,
क्या इसका नाम रख के इंडिया गलत किया अपोजिशन पार्टीज ने या फिर विपक्षी दलों ने? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा। और आपके हिसाब से क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे, ये भी मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ। इससे ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से देश आने वाले चुनाव को देख रहा है। तो राय देना ना भूले, अपनी राय जरूर दे, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना दोस्तों ख्याल रखें, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।